हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। सब लोग स्वतंत्र है, यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच बीजेपी विधायक ललन कुमार ने पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर चाचा भतीजा के बीच जारी संग्राम में एक नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर दोनों आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं, इसलिए वे अपनी सीट पर दावा ठोक रहे हैं। इधर चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते अपने पिता की परंपरागत सीट पर अपना दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं, वे हाजीपुर सीट अपनी मां रीना पासवान के लिए मांग रहे हैं। वे कई बार इस बात को कह भी चुके हैं। चिराग का कहना है कि ये सीट उनके पिता की विरासत है, इसलिए इसका सही उत्तराधिकारी भी वे ही हैं। वहीं पारस का कहना है कि ये सीट उन्हें उनके भाई ने खुद दी थी, इसलिए वे अपने भाई के असली उत्तराधिकारी हैं। इस बीच भागलपुर जिले के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार रविवार को इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पारस को स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया। बीजेपी विधायक ने तो चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि चिराग पासवान दलित विरोधी और पासवान विरोधी हैं। चिराग को गठबंधन की राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। दरअसल यह सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है, लेकिन अपने अंतिम समय में रामविलास पासवान ने इस सीट पर अपने भाई पशुपति पारस को यहां से प्रत्याशी बनाया था। वे इस सीट से चुनाव भी जीते और केंद्र में रामविलास पासवान के निधन के बाद मंत्री भी बन गए, लेकिन अब इस सीट पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान तो अपनी मां रीना पासवान को इस सीट से चुनाव लड़वाने की घोषणा भी कर चुके हैं। हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हाजीपुर अगर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती और हम जमुई से ही हम कंटिन्यू हम करना चाहते हैं। बहरहाल इस सीट को लेकर एनडीए के दोनों घटक दल अब हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने हैं। चिराग की घोषणा के बाद पशुपति पारस ने पलटवार करते हुए कहा कि हाजीपुर में चिराग अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो हम भी जमुई में अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। सब लोग स्वतंत्र है, यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे। उसी के परिवार से किसी उसके बहन को लड़ा देंगे, उसकी माँ को लड़ा देंगे। मतलब लड़ाई टक्कर होने वाली है? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। एक बात आप जान लीजिए, एनडीए गठबंधन के हम अस्थाई सदस्य हैं और विश्वासी सहयोगी हैं, और कोई आदमी अभी आके हुलुक बुलुक करता है, कल एनडीए में वो आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से हम सांसद हैं, हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे। मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ, अब उसके बाद जिसको जहाँ लड़ना है ताकत आजमाइश करना है करें। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं, वहीं चिराग जमुई से सांसद हैं। पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए गठबंधन के हम स्थायी सदस्य हैं और विश्वासी सहयोगी हैं। बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो धड़ों में बट गई है। एक गुट का नेतृत्व पशुपति पारस कर रहे हैं तो दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथ में है। दोनों ही फिलहाल एनडीए के पार्टनर हैं, मगर लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर पशुपति पारस ने दो टूक कहा कि यह हमारी धरती है, हाजीपुर से सांसद हैं और हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। यह मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ, इसके बाद जिसको ताकत आजमाइश करना है करे। चिराग पासवान की ओर से हाजीपुर से अपनी मां रीना पासवान को उम्मीदवार बनाने की घोषणा के बाद पशुपति पारस ने ये बात कही। फिलहाल चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर को लेकर जुबानी जंग तेज है। देखना यह होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। उधर बीजेपी अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। गठबंधन की बड़ी पार्टी होने के चलते उसका इस सियासी घटनाक्रम पर क्या निर्णय होगा ये भी अहम होगा।